हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हैप्पीनेस फार्म में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में, यानी कि जिन लोगों के फेस पर झाइयाँ हो जाती हैं या डार्क पैचेस हो जाते हैं, इनके होने का मेन कारण क्या होता है और इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन की। करंट टाइम में देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फेस के झाइयों से बहुत परेशान हैं और इसका ट्रीटमेंट करते करते परेशान हो चुके हैं, परंतु इसे जड़ से ख़त्म नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, झाइयों को जड़ से मिटाने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह किन किन कारणों से होता है। इट मीन्स व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट है सन डैमेज से भी स्किन में डार्क स्क्रैचेस हो जाते हैं। नंबर सेकंड, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन पिगमेंट्स। नंबर थर्ड, स्किन इंजरीज लाइक एक्नी वेलगरिस। स्किन इंजरीज का मतलब है जैसे कि किसी के फेस पर एक्नी हो जाते हैं और स्किन काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है, तो जब स्किन रिकवर होती है तो स्किन के आउटर लेयर पर ब्लैक पैचेस हो जाते हैं। नंबर फोर्थ है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, यानी कि साइनोकोबालामिन। क्योंकि विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल होता है, यानी कि ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता, जिससे हमें इससे डेली इंटेक करना पड़ता है। और जो विटामिन B12 के इंटेक में लापरवाही करता है या जिसे खाने में या नहीं मिल पाता है, उसे झाइयाँ बनने की प्रॉब्लम बार बार होते रहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसे हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। इसके लिए आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। नंबर फर्स्ट है, रोज एक गोली मल्टीविटामिन की खाएं जिसमें विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन भरपूर मात्रा में उपस्थित हो, कंटिन्यू फॉर 3 मंथ्स। नंबर सेकंड, डेमिलान क्रीम या कोजीविट क्रीम का उपयोग करें। डेमिलान क्रीम का यूज सिर्फ रात के समय ही करें। इस क्रीम का यूज करने के दौरान आप लोग धूप से जितना हो सके उतना बचें और डे टाइम में सनस्क्रीन लोशन का यूज जरूर करें। सनस्क्रीन लोशन मिनिमम 30 SPF का होना चाहिए। इसमें इससे क्या होगा कि आपका जो फेस है उस सन डैमेज से बचा रहेगा। इस क्रीम का उपयोग आपको ज्यादा समय के लिए नहीं करना है, ओनली फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने बाद आपने डेमिलान क्रीम छोड़ देना है, भले ही आप धूप में जाते समय सनस्क्रीन लोशन का यूज करते रहें। इस प्रकार आप 3 महीने में झाइयों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन की जरूर दबाएं। थैंक यू।